अब लैंड करता हूँ इवेंट पे। डायरेक्टली यहाँ पे शॉटगन मिल जाता है, सामने बंदा भी रहता है। और भाई यार, दो शॉटगन मारने के बाद भी बंदा का जो है बाल भी बांका नहीं हुआ। क्या बोलूं भाई, गलत सीन है, यहाँ पे मर गया जीरो किल पे। मैं सोचा किस्मत तो खराब है, आगे चल के देखा जाए। स्टिंग दे उठाता हूँ, आ जाता हूँ किसी ऐसे वीरान इलाके में भाई, जहाँ की मतलब भाई कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी देर तक बोर हो गया, मैं सोचा थोड़ा सा इंस्टा वगैरह चेक कर लिया जाए। जैसे ही इंस्टा पे जाता हूँ और वापस आता हूँ, यहाँ पे सीन देखो। मोए 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 36 का माइनस। भाई यार कसम से क्या बोलूं भाई, इतना आज तो इतना मेहनत करके खेल रहा हूं, क्योंकि भाई तबीयत भी अपनी एकदम से यार इतनी ज़्यादा ख़राब है आज ना। मैं क्या बोलूं भाई, हो गया है कुछ सीन होगा। ठीक है, बाकी आईडी का रैंक वगैरह देख लो, और इसके बाद मैंने प्लस कितना अच्छा निकाला है वो भी देख लो। भाई रैंक कुछ चल रहा है 960 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे 52 का प्लस कर दिया हूँ। ठीक है, 62 का रिक्वायर्ड है, मतलब भाई 70-75 का प्लस कर दूंगा तो इजीली हो जाएगा। बाकी उसके बाद तीन मैच खेले, तीनों में 25 का प्लस, 26 का प्लस और 18 का प्लस, मतलब भाई प्लस एक नंबर का निकाल रहा हूँ। और ये है हमारी दूसरी आईडी, इसमें भी भाई कुछ उतना ही रैंक चल रहा है, उतना ही पॉइंट चाहिए। और हाँ, इसमें आज एक भी मैच नहीं खेला, बट यार ट्राई करूँगा कि अभी खेल लूँ। और यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कसम से भाई, तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। बाकी इस मैच, इस आईडी का भी मैचेस देखो, करियर देखो, यहाँ पे चिकन वगैरह ढेर सारे निकाला हूँ यार, मतलब भाई उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है। तो अपने साथ सीन ऐसा हो रहा है कि भाई यार मेरा जो पेट है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और वही हो गया है यार जो होता है। ठीक है, बार बार लेटरिन में आओ जाओ वही सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा हग रहा हूँ गेम में भी और रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे वो सब सीन ठीक था, यहाँ पे अपना स्टिंग दे ही फंस जाता है। अब क्या ही बोलूँ यार अपने किस्मत का। हाँ, ये दूसरे गेम प्ले का था, और इस गेम में रहता है एक हैकर। ठीक है, और सर्वर फ्रीज भी हुआ था, तो लास्ट के डेथ सर्कल तक यहाँ पे रिकॉल था। मैं सोचा चल के फाइट ले लिया जाए, वहाँ पे एक बंदा दिखा था, तो मैं सोचा उसके पहले अपना स्टिंग दे इधर पे एक फेंक दिया जाए, जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा था, ताकि मर के वापस आऊँ तो ले सकूँ ना। अब देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे खेला जाता है, ऐसे स्प्रे किया जाता है, ऐसे उतारा जाता है। हम लोग तो बेवकूफ़ हैं जो खेलते रहते हैं हमेशा बिना मतलब का। खैर, यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कर देता हूँ, दोबारा से वापस आता हूँ। भाई लूट वगैरह हो गई थी, और लास्ट का सर्कल देखो, यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक बंदा था, और वो जो हैकर है वो सामने ही कहीं था। ठीक है, तो स्क्वाड हाउस वाले से मैं थोड़ा सा बात करने का ट्राई करता हूँ कि भाई मान जा सामने वाला बंदा हैकर है, आपस में फाइट नहीं लेते हैं, पहले उसको मानने का ट्राई करते हैं। अब देखो उसकी ऑल पे बातें हैं इस बंदे की। पहले तो ये बताओ, कप्तान भैया को मारा जो, ये स्प्रे कैसा था? इसके लिए तो लाइक वगैरह कर सकते हो। बाकी यार वो बंदा देख लो, सामने वो है और यहाँ पे हम दो हैं। अरे बहुत गंद मार रहे, जमझम करके मार रहे, अरे मार के मेरे को मार दिया। चलो यहाँ पे यार थोड़ा सा देख लो, ये सीन हो गया। थोड़ा सा भी अपने पे जोन रहता तो नेट वगैरह का ट्राई करते, लेकिन भाई जोन जो है ना उसी के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे गलत सीन हो गया। ठीक है, खैर कोई ना, यहाँ पे #2 पे भी 18 का प्लस मिल गया था 4 किल के साथ। यहाँ पे आप लोग कैरियर वगैरह देख लो। और भाई कुछ बंदे बोलेंगे यहाँ पे मैं होता तो ये करता, हैकर को मार देता, ये कर देता, वो भाई मैं भी मार देता यार जोन होता तो। ठीक है, बाकी क्या बोलूँ, हैकर तो था ही, वो भी कितना ब्रूटल, वो आपने देख ही लिया। ये देखो टन, आए है, ओए होए मजा आ गया। खैर क्या बोलूँ भाई, रिपोर्ट करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अब देखो ये हमारा मेन गेम प्ले, जिसमें आपने देखा ही भाई प्लस काफ़ी निकाला हूँ, उसके पहले देखो इवेंट पे किल्स कैसे निकालता हूँ, और लास्ट के सर्कल तक खेलता कैसे हूँ ना, वो सारी बातें आप देखो इधर पे, सीखने को तो इसी में मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारे 2 किल हो गए थे। अब देखो भैया यार, इतना मेहनत करके कसम से मुंह से बोला नहीं जा रहा है, फिर भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रोना आ रहा है यार कसम से। वीडियो मैं क्या बोलूँ, मन नहीं कर रहा है कि वॉइस ओवर करूँ, फिर भी कर रहा हूँ। तो इसके लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, कम से कम लाइक करो, रीच इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है। अब भाई ऐसे रीच रहेगा तो मेहनत करने का मन नहीं करता यार, थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है।
तो यार प्लीज कर दो लाइक, बाकी यार मैं ज्यादा वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगा इसमें, तो आप लोग थोड़ा सा देखना यार, समझना। अब देखो यहाँ पे एक बार रिकॉल होने के बाद दोबारा इवेंट पे गया था और भाई रिकॉल यहाँ पे वेस्ट ही करवा लिया, ठिल गए बिना मतलब का। ठीक है, अब रिकॉल वगैरह जा चुका था, अब अपने को जाना था किसी सेफ प्लेस पे ताकि थोड़ा सा गनवन मिल जाए, थोड़ी सी हीलिंग्स मिल जाए और आराम कर सके। ठीक है, आता हूँ मिलिट्री घर, ये मिलिट्री बेस के जो गुफा है छोटे मोटे, इन्हीं को लूटता हूँ। थोड़े बहुत तो लूट मिल जाते हैं लेकिन उतना भी प्रॉपर नहीं मिला था। ठीक है, बाकी मैं सोचा रोजोक में जाके अपनी पेटी लूट लिया जाए, इसलिए उधर से निकल के आ गया। लेकिन भाई वहाँ पे जोन था, अपने पास हीलिंग्स भी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मैं सोचा रुक के यहीं पर लूट लिया जाए, वहाँ पर जाने का मतलब है नहीं, और भाई इतने में ही सरवाइव कर लेंगे मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, ठीक ठाक तो लूट मिली गई थी यार, उतना भी खराब लूट नहीं था अपने पास। बाकी बढ़ते हैं सीधे लास्ट के सर्कल में, जब तक ये वॉच टावर पे अपने पास सर्कल था यहाँ पे होल्ड करता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। आगे जाने पे जो ही सीन होगा ना बस देखो आप लोग। ठीक है, वो एक बढ़िया सीन है, थोड़ा सा लाइक करने लायक और सब्सक्राइब करने लायक। खैर ये कैंपर जो है 2018 का है और भाई इसके पास यहाँ पे अच्छी खासी लूट मिल गई, स्टिंग वगैरह मिल गई, और मुझे पता था जो ये बीआरटी वाला बंदा है ना यहाँ पे ग्रेनेड मोली करेगा ही करेगा, तो बाहर निकल जाता हूँ। और भाई यार किस्मत अच्छी थी, कोई बंदा यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, स्टिंग रेल निकाल कर आराम से उड़ भी जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हीलिंग वगैरह कर लेता हूँ, और भाई लास्ट में सीन क्या हुआ था वो भी देख लेना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और भाई यार अपनी हिम्मत नहीं इससे ज़्यादा वॉइस ओवर करने की, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।